हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग एक वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो बेसिकली है हेयर स्पा के ऊपर, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हैं। क्योंकि मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ इसलिए मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हैं। तो आई वॉन्ट डेट कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़ी शाइनी और सिल्की हों। तो इसके लिए मैं हेयर स्पा चूज़ कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू कि क्या होता है क्या नहीं। मेरे बाल अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, और मैं आपको एक और बिफ़ोर का वीडियो दूंगी, आफ्टर का भी दूंगी, और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। नॉट ओनली कि हेयर स्पा कराते टाइम और हेयर स्पा के कुछ दिनों बाद तक का, पर मैं बाद का भी आपको दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रो पार्ट में हेयर स्पा के पहले शूट कर रही हूँ, पर मैं पूरी वीडियो हेयर स्पा के 2 हफ्ते बाद अपलोड करूँगी। तो यू विल गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट हेयर स्पा, दैट व्हाट इज़ हेयर स्पा एंड हाउ इट विल रिएक्ट और हाउ मच टाइम इट विल बी स्टे ऑन योर हेयर्स। ओके, तो मैं ये पूरा शूट करूँगी हेयर स्पा के कुछ दिनों बाद तक का भी मैं आपको बताऊँगी क्या होता है क्या नहीं। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत रफ़ हैं, और मैं बिफोर का वीडियो भी हेयर स्पा का प्रोसेस और सब कुछ आपको बताऊँगी। तो मेनली आप इसमें जानेंगे कि बिफ़ोर मेरे बाल कैसे थे, हेयर स्पा का प्रोसेस क्या होता है, हेयर स्पा की मिनिमम कॉस्टिंग क्या होती है, और हेयर स्पा कब तक आपके हेयर्स में रहता है, और क्या प्रॉफिट है हेयर स्पा कराने की। ये 4-5 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहें इस वीडियो में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी हेयर स्पा की जर्नी। तो ये था मेरा बिफोर का वीडियो कि मेरे बाल पहले कैसे थे, उसके बाद मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये फर्स्ट स्टेप होती है हमारा, पहले तो हेयर वॉश किया जाता है, उसके बाद जो है क्रीम अप्लाई किया जाता है, उसके बाद हेयर मसाज, स्टीम, और फिर हेयर ड्रायर। ये आपकी 5 स्टेप रहती है हेयर स्पा की। जो कॉस्टिंग की बात करें तो हेयर स्पा की कॉस्टिंग स्टार्ट होती है 500 से, और ये 2000 के ऊपर भी जाती है। तो मेरा जो हेयर स्पा था वो मैंने 1200 में कराया था इंदौर में एक शिवाय स्टूडियो से। तो उन मुझे प्रोडक्ट भी अच्छे अप्लाई किए हैं। तो जो ये प्रोसेस है, ये करने के बाद मेरे बाल शाइनी और सिल्की हो गए थे बहुत। और जो बालों को प्रोटीन, मेनली इस प्रोसेस का मोटिव रहता है बालों को प्रोटीन देना, तो वो हो गया था। पर जो टेक्सचर अपना आता है हेयर स्पा के बाद वो इसलिए आता है क्योंकि हेयर ड्रायर करा जाता है। पर जैसे ही आप इंस्टेंट हेयर वॉश करेंगे आपको बालों में फ़र्क तो दिखेगा, पर जो टेक्सचर आपका इंस्टेंट हेयर स्पा के बाद आता है वैसा नहीं आएगा। जैसे लास्ट में आप देखेंगे पूरे मेरे बाल स्ट्रेट हो गए थे, तो वैसा टेक्सचर हमेशा के लिए नहीं रहता है। और हेयर स्पा जो आपका रहता है 1 मंथ से 1.5 मंथ तक चलता है, सबके बालों पर डिफरेंट असर करता है। जैसे मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ तो मेरे बालों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलेगा। और ये स्टीमिंग प्रोसेस जो रहती है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहती है हेयर स्पा की। इसमें क्या रहता है कि आपके जो ओपन पोर्स रहते हैं हेयर्स के वो क्लोज किए जाते हैं, और जो आपको क्रीम लगाई जाती है वो उस क्रीम का प्रोटीन आपके हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये मेरा आखिरी प्रोसेस था, 5th स्टीमिंग प्रोसेस। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, ये देखिए मेरे बाल कैसे हो गए हैं पहले के बाद से। अब 5 प्रोसेस थी मैंने शुरू से बताई है आपको, और एक है हेयर वॉश, क्रीम अप्लाइंग, मसाज, स्टीमिंग और हेयर ड्रायर। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।